नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। इससे पहले आर्मदत्त व्यवहार के आरोप के उनके साथ साथ राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा, अगला नंबर किस नेता का होगा, इसे लेकर पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना है कि संकट के बादल इतनी जल्दी छटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली आम आदमी पार्टी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इस जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी और हाल ही में संजय सिंह की गिरफ्तारी ने उनकी मुश्किलें कहां तक बढ़ा दी हैं। संजय सिंह का नाम कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में सामने आया था। ये चार्जशीट पिछले साल दायर की गई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के 3 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद कहा गया था कि संजय सिंह शेर हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मानना भी शुरू कर दिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मरना मंजूर है, डरना नहीं। संजय सिंह किसी भी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए आपके पहले नेता नहीं है। सबसे पहले मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पहले सीबीआई और अब 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन किया है कि कार्यकर्ताओं ने ऐलान भी कर दिया है कि वो लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते रहेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो सच के लिए लड़ता रहा है, उन्हें गलती तरीके से ही फंसाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएंगे। ईडी के एक्शन के बाद संजय सिंह की पत्नी ने कहा कि ईडी ने पूछताछ कर घर, कंप्यूटर और दस्तावेजों की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ईडी अधिकारियों पर उन्हें संजय सिंह को यानी कि गिरफ्तार करने का दबाव था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी का ईडी ने हमें कोई कारण भी नहीं बताया, उन्हें फर्जी मामले में अरेस्ट किया गया है, हम सभी उसके साथ हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों हुए हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी। तो ईडी के चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी कि चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा गया। ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के मुताबिक आरोप है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी। ईडी का आरोप है कि अब आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तब संजय सिंह मौजूद थे। इन सब दिक्कतों के बीच अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती अब खड़ी हो गई है। संजय सिंह के करीबियों के घर पर भी कुछ दिन पहले छापेमारी हुई थी, तो उन्होंने ईडी और सरकार को चुनौती दी थी। संजय सिंह ने कहा था कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी का विस्तार हो या फिर विपक्ष के साथ तालमेल, संजय सिंह सारे जिम्मेदारी अकेले निभा रहे थे। उत्तर प्रदेश में आने वाले संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने और भरोसेमंद सिपहलासार थे, जो उनके साथ अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनाए जाने तक साथ में डटकर खड़े रहे। इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमला बोलने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं में संजय सिंह को सबसे आगे देखा गया, जो 3 कृषि कानूनों से लेकर मणिपुर मामले तक हर बड़े मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरते रहे। चाहे ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह की मौजूदगी पार्टी में उनके कद को बखूबी
समझाने के लिए काफी है। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को साल 2018 और फिर 2022 में राज्यसभा भेजा। इस दौरान संजय सिंह आम आदमी पार्टी और विपक्ष दलों के बीच अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। इसलिए जब उन्हें संसद से निलंबित किया गया था तो सोनिया गांधी उन्हें अपना समर्थन देने के लिए आई थी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़ा नेता थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य होने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बिहार में पार्टी की कमान उनके पास में ही थी। चुनावी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और देश के दूसरे राज्यों में संगठन निर्माण में भी दो संदीप पाठक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में थे। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का चेहरा और तालमेल रखने की जिम्मेदारी भी उनके पास में थी। वहीं इसी साल मई में संजय सिंह के करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घरों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद से ही संजय सिंह का ईडी की सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में संजय सिंह का नाम आ रहा था, लेकिन चुनावों से पहले उनकी जिम्मेदारी और उनकी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं संजय सिंह के परिवार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी का रास्ता कठिन है, बेईमान हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी, कट्टर ईमानदार है इसलिए समस्या है, इन लोगों के पास ईमानदारी का काउंटर नहीं है, उन्होंने हमें बदनाम किया। कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बिजली पानी सड़क घोटाले में पैसे खाए, उन्हें मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार में कुछ भी नहीं मिला। शराब घोटाले में 1000 से ज्यादा रेड हुई है, रेड में अब तक एक भी चवन्नी नहीं हाल हुई है, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि संजय सिंह नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज है, साथ ही आरोप कि नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं। संसद के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ संजय सिंह बुलंद आवाज बने, संजय सिंह के घर में कुछ नहीं मिला है। केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सफल हुआ तो मोदी जी हार रहे हैं। 2024 तक कई लोग गिरफ्तार होंगे, लेकिन संजय सिंह शेर हैं, प्रधानमंत्री गिरफ्तार करके हमें डरा नहीं सकेंगे। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तलवार लटक रही है? क्या अरविंद केजरीवाल को भी ईडी दफ्तर जाना पड़ सकता है? ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। धन्यवाद।